विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी को आखिरकार ठौर मिल गया। वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीट दे दी हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खगड़िया से पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को आरजेडी ने झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी की सीटें दे दी हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में मुकेश सहनी का स्वागत करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा के अलावा बिहार के विधानसभा के लिए भी है। जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती है, उनको धूल चटाने का काम करेंगे। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। उधर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब की बार एनडीए 200 से नीचे सीटों पर सिमटी नजर आएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।